का फ्रांसीसी सफर जो था एक बहुत ही तारीफी सफर था, उसके बारे में यही कहेंगे जो वहां विजिट किया। यह हकीकत है कि अहबाब को हम याद ही कब थे जो अब याद नहीं। वहां की हालत इजार देखकर बहुत अफसोस हुआ कि एक तारीफी विरसा है लेकिन मुकम्मल तौर पर वो तबाही के शिकार है। और ये बात ज्यादा अफसोसनाक थी कि वहां के लोगों को भी वहां की तारीफ के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था और मुतजाद किस्म के जो है वो व्यू पाए जाते थे कि ये शहर जो है वो किस वक्त तबाह हुआ और किसने तबाह किया, इसके बारे में भी अलग अलग राय थी। और ये भी था कि वहां की बहुत सारी चीजों के बारे में लोगों को इल्म नहीं था। जैसे वहां एक मजार हमने देखा था और उसके बारे में लोगों को इल्म नहीं था कि ये मजार कब बना था। जब तहकीक थोड़ी बहुत की मैंने तब पता चला कि वो मजार किसी मिर्जा गुलाम मोहम्मद नामी शख्स का था जो उस वक्त रमनाकार में मौजूद थे जिस वक्त की तबाही हुई थी। और तबाही के बाद जाहिर सी बात है वो भी वहां पर दफन हो गए थे और लोगों को बाद में उन्होंने अपनी विशालत के जरिए अपनी दफन की जगह बताई और वहां पर एक मजार कायम किया। लेकिन किस तरह की तारीख की बातें जो है वो ज्यादातर लोगों को इल्म नहीं थी। जो यकीनन इसमें हुकूमत की बहुत बड़ी कोताही है कि ना तारीख सही तरीके से रकम की गई थी और ना ही जो है वो आगे लोगों तक पहुंची, जिसकी वजह से हमें जाहिर मुश्किल का जो है इसमें वो सामना भी करना पड़ा था। और ये है कि जहाँ से चीजें रह जाती है वहीं से रिसर्च करने का असल मकसद ही वहीं से शुरू होता है कि अब हम ज्यादा से ज्यादा इस पर तहकीक करें।